अभी अगर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप याद हो, उससे काफी रिलेटेड है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। टाइप ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बेसिकली तीन पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। मान लो सी मर नहीं गया, रिटायर्ड, बस मोह माया से ऊपर उठ चुका है, बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अब उसको फर्म छोड़ना है, तो सी रिटायर। क्या होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? क्या होगा गुडविल का ट्रीटमेंट? एंड व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द बिजनेस आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सी? ओके, तो मान के चलते हैं अभी सबसे पहला ए बी एंड सी प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, वर शेयरिंग प्रॉफिट्स, उनसे रेशो में 4:3:2। अब सी हो गया रिटायर। नाउ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, दैट इज 1:1। अब याद हो एडमिशन में तुम्हें, जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बीच का जो फर्क है उसको बोलते थे सैक्रिफाइस रेशियो, बिकॉज वन ऑफ द पार्टनर यूज टू सैक्रिफाइस फॉर द न्यू पार्टनर टू गेट अ शेयर इन द बिजनेस प्रॉफिट। अब यहाँ पे सैक्रिफाइस नहीं करता, यहाँ पे राधर होता है गेन। तो 4:3:2 इज द ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो इज 1:1, ये हो गया न्यू रेशियो। तो हमें फाइंड करना होता है गेन रेशियो। अभी ऑब्वियसली ना, एक बंदा छोड़ के चला गया बिजनेस, तो 100 रुपए के प्रॉफिट जो पहले 3 में बटते थे, अब खाली 2 में बटेंगे, तो फायदा हो रहा है ना बाकी के 2 पार्टनर्स को, ठीक है? तो गेन रेशियो निकालना पड़ेगा। गेन रेशियो क्या होता है? इट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर सैक्रिफाइस रेशियो याद हो, उसका फॉर्मूला अलग है, उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यहाँ पे उल्टा है। ए का गेन रेशियो कैलकुलेशन चल रहा है, ए का कितना है न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना है, ए का न्यू इज 1/2, ए का ओल्ड रेशियो क्या था 4/9, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर आया 9 - 8/18, 1/18। गेन रेशियो बी का कितना गेन रेशियो, न्यू रेशियो इज 1/2, ओल्ड रेशियो इज 3/9, अगेन 9 × 9 × 2 × 2 × 9 - 6/18, 3/18, 18 कट। तो गेन रेशो क्या है, 1:3। मतलब जो नया प्रॉफिट है उसमें 75% नया प्रॉफिट का किसको मिला, बी को मिला,
एंड 25% ऑफ द न्यू प्रॉफिट्स किसको मिला? ए को मिला। समझा? समझ आया सबको ये? हाँ, एक गेन रेशियो है क्या? गेन रेशियो क्या होता है? कितना फायदा हुआ, हाउ मच गेन फ्रॉम द न्यू प्रॉफिट। ईच ऑफ द पार्टनर, ओल्ड पार्टनर आउट ऑफ द एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ओके, अब याद रखना जब भी बंदा छोड़ के जाता है रिटायरमेंट के कॉजेज क्या है? रिटायरमेंट क्यों होता है? सबसे पहला रिटायरमेंट अगर छोड़ना है तो इट कैन बी रिटायरमेंट एज पर विल, अपने मर्जी से। बट जब भी फर्म छोड़ते हैं तो अपने को एज पर द अग्रीमेंट, जो भी प्रोविजंस है पार्टनरशिप अग्रीमेंट का, वो फुलफिल करना होता है और नोटिस देना होता है। नोटिस टू पार्टनर, ओके, एंड अदर्स, ओके, कि मैं फर्म छोड़ रहा हूँ। ये सारी चीजें पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिखी होती है कि अगर रिटायरमेंट करना है, बिजनेस छोड़ना है तो क्या करना होगा, ओके, किसको नोटिस देना होगा, कितना दिन का नोटिस देना होगा। बिकॉज सी ना, अब सोचो ना, अगर बिजनेस चल रहा है, पार्टनरशिप फर्म चल रहा है, ओके, एंड यू ऑल ओनली थिंग, एक सी तुम लोग ट्रेड कर रहे थे एक पार्टनरशिप फर्म के साथ, वहां पे एक पार्टनर तुम्हारा खास था, ठीक है, तुम उसके वजह से वो पूरे फर्म से गुड्स खरीदते थे। आज वो पार्टनर छोड़ के जा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है ना कि तुम उससे वो फर्म से गुड्स अब ना खरीदो। तुम्हें इसीलिए एज अ थर्ड पर्सन तुम्हें भी पता होने का राइट है, तुम्हें भी पता होने का राइट है कि पार्टनरशिप फर्म में कौन है अभी और कौन नहीं है, ओके, कौन छोड़ के गया, कौन है, ये पता होने का राइट है तुम्हें। इसके लिए सबको नोटिस देना जरूरी है जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ देता है, ओके। अब इसमें इसमें भी गुडविल एंट्रीज है, और इसकी तो गुडविल एंट्रीज और भी इजी है। ठीक है, दो टाइप का गुडविल होता है, एक होता है गुडविल इज रेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्म, पूरा फर्म जितना गुडविल रेस किया गया है। तो उसमें दो सिनेरियो, गुडविल इज रेस्ट ओनली, या गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। अगर सिर्फ रेज किया है तो द एंट्री इज, सॉरी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोले तो ओल्ड रेशियो जहाँ पे तीनों का नाम है, रेज करके रिटर्न ऑफ करना है। तो पहला एंट्री से ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो, तो राइट ऑफ भी करना है ना, रिटर्न ऑफ है तो दूसरा एंट्री भी होगा। द एंट्री इज Continuing partners debit to goodwill। कौन से रेशियो में?
It is in the new ratio. Okay. गुडविल न्यू रेशियो के हिसाब से बढ़ता है. हाँ, बट अभी जब ये रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होता है, गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ खाली रिटायरिंग पार्टनर शेयर. तो रेज ओनली, तो अगर सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हो तो इट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू खाली रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. एक ही बंदे का अगर रेज रिटर्न ऑफ है तो पहला एंट्री सेम होता है. और सेकेंड एंट्री इज कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट टू गुडविल. अब यहाँ पे होता है इन द गेन रेशियो. ओके, सो वेरी इजी टू रिमेम्बर एंट्री. ओके, जब भी रेज होता है इट्स गुडविल अकाउंट डेबिट. अगर पूरे फर्म का रेज हो रहा है तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. ओके, और अगर रिटायरिंग पार्टनर का रेज हो रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. और रिटर्न ऑफ हो रहा है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू गुडविल. बस इतना था. ओके, फिर उसके बाद एक और चीज, न्यू रेशो. एक चीज मैंने बताया नहीं, ये न्यू रेशो अगर नहीं दिया हुआ रहता, इधर मैं लिख देता हूँ. इफ न्यू रेशो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, जैसे एडमिशन में था वैसे ही है. न्यू रेशो जब नहीं दिया क्वेश्चन में, देखो गेन रेशो क्या होगा, will be equal to the new ratio जो हम calculate करेंगे. जैसे देखो, अगर यही समय old partners का profit sharing ratio क्या था, 4:3:2. Okay, A B C. मान लो C retires, C हो जाता है retired, तो क्या कर देने का पता है, 4:3:2 है ना, ये सी वाले को काट देने का. तो तुम्हारा न्यू रेशो क्या हो जाता पता है, 4:3. इसमें कुछ सॉल्विंग नहीं है ना? नहीं, सॉल्विंग नहीं, सीधा कट. जो बंदा रिटायर हो रहा है उसका रेशो को सीधा कट कर देने का, तो जो बचता है वो न्यू रेशो होता है, समझा. एंड जब ऐसा सिचुएशन रहेगा तो तुम्हारा गेन रेशो विल ऑल्सो बी न्यू रेशो. अच्छा, और अगर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों क्वेश्चन में दिया है तो फिर सॉल्व करने का. समझ आया? किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, प्लीज पूछो. मैं देखो, इसमें जैसा अभी मैंने बोला एडमिशन जैसा सीन है, तो इसमें रिवैल्यूएशन नहीं बोलते हैं, इसमें इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ओके, यहाँ पर सेम खुशी दुखी के हिसाब से करना है. तो रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट इन वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी, समझा, या प्रॉफिट्स और लॉस. समझ आया? खुशी दुखी के हिसाब से ये अकाउंट भी बनेगा.
बढ़िया अकाउंट का जो बैलेंस फिगर है खाली अलग ही है, दैट द बैलेंस फिगर ऑफ दिस अकाउंट विल बी शेयर्ड, कोई बता सकता है विल बी शेयर्ड बाय कितने पार्टनर्स के साथ शेयर होगा? सारे पार्टनर्स के साथ कि सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के साथ? कंटिन्यूस पार्टनर नहीं, सारे पार्टनर्स के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज का डिफरेंस है, जो खुशी दुखी की बात है, उसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर का भी तो हक है ना, सॉरी रिटायरिंग पार्टनर का भी तो हक है ना, राइट? वो भी बिजनेस में था ना जब ये, जब असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हो रहा था, इट इज लाइक दिस, ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, सारे लोग थे ए बी सी। अब हम यहाँ पे सी जा रहे हैं छोड़ के, तो सी के रिटायरमेंट के टाइम पे हम यहाँ पे असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यू। तो अगर कुछ फायदा हुआ, सी बोलेगा ना, अरे भाई मैं भी तो था जब तुमने ये असेट में इन्वेस्टमेंट किया, मैं भी तो था जब इसका फायदा या नुकसान हो रहा था, तो यहाँ पे ये तो रीवैल्यूएशन ये पॉइंट पे होगा, दिस विल बी शेयर्ड बाय ऑल, बस इतना ही डिफरेंस है। बस एडमिशन में क्या था, इट वॉज शेयर ओनली बाय द ओल्ड पार्टनर्स, we correctly new partner was not there when these assets and liabilities are bought were dealt with, समझा तो profit and losses hold ratio में बटेंगे अगर दिया रहेगा। हाँ, और hold ratio हमेशा दिया ही रहेगा ना, दिया ही रहेगा obviously। समझ गए, इसमें पहले admission करने का बाद में retirement, नहीं क्या 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 ऐसा सब आता है क्या, जिसमें पहले एडमिशन करने का फिर रिटायरमेंट? नहीं 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 भाई, इसकी सब में सब नहीं आएगा, टेंशन मत। नहीं okay. बाद में क्वेश्चन से आ सकता है रिटायरमेंट के लिए? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग ही आता है, अलग अलग ही आता है भाई, एक सब एडमिशन का आएगा, दूसरा रिटायरमेंट में आएगा, एक साथ कुछ नहीं है दोनों। ओके, फिर इसमें अकाउंट्स भी सेम प्रिपेयर करने के, तुम्हारा पार्टनर कैपिटल, करेंट अकाउंट हुआ तो करेंट अकाउंट में। अब इसमें खाली क्या होता है, देखो जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल है ना, उसके साथ तीन ट्रीटमेंट हो सकता है। पहला, उसको पूरा पैसा दे दिया कैश में, कैश में पूरा पैसा दे दो, ओके, क्योंकि अभी उसका पार्टनरशिप से वो चल दिया है सी, और जो भी उसका पैसा बनता है वो दे दो। दूसरा है क्रिएट अ लोन अकाउंट, अभी पैसा मत दो सी को, लाइबिलिटी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको अपने बुक्स में लाइबिलिटी बता दो, जब फर्म के पास बिजनेस पैसा आएगा तब वो दे देंगे, या पार्टली पे कर दो पार्टली लाइबिलिटी। ये समझा नहीं, वापस समझो, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल होगा वो बैलेंस फिगर या तो पेड ऑफ इन कैश होगा, या लोन क्रिएट कर देंगे उसके नाम का फर्म के लाइबिलिटी में, या तो थोड़ा पे करेंगे थोड़ा लोन रखेंगे, समझा? अच्छा, जब पार्टनर्स कैपिटल टैली करेंगे तब। हाँ, टैली करेंगे तब। ये मैं मतलब समझा रहा हूँ, जिसको समझ रहा है ठीक है, नहीं भी समझ रहा है समझ के अंदर समझ आ जाएगा, चलाए इतना कुछ नहीं। ओके, और क्या अकाउंट बनाते हैं अपन, ऑर्डर क्या है, फिर अपन बनाते हैं कैश बैंक अकाउंट, फिर अपन बनाते हैं गुडविल अकाउंट, और फिर बनता है बैलेंस शीट। एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, जो एडमिशन में चल रहा था वही चल रहा है इधर, फर्क ये है कि अपन इसको रिवैल्यूएशन बोलते थे, रिटायरमेंट में पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बोलेंगे बस। ओके, बाकी सब एकदम मजेदार सेम है। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, पेज 172, प्लीज निकालो। मैं लाइन वाइन मार देता हूँ। निकाला सबने? हाँ
कोई समझदार आदमी रीड करो इसको. Given below is a balance sheet of Raja, Rani and Pradhan, who were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. Liability side mein creditors, bank overdraft, reserve fund, capital account, Raja, Rani aur Pradhan ka, aur asset side mein cash, debtors, stock, machinery, land, furniture. On 1st April 2018, Pradhan retired on the following terms. Goodwill of the firm will be raised in the books at ₹20,000. Stock be reduced by 10% and furniture by 5% and machinery by 11%. ये RBDD क्या है? Reserve for bad and doubtful debt. वो B डाल दिया bad के लिए. अच्छा. RBDD be maintained at 5% on debtors, ₹200 to be written off from creditors, out of the amount due to Pradhan, ₹5,000 to be paid by cash and remaining amount to be transferred to his loan account. Okay. अब ये मैंने देखो बना दिया format, इतना अच्छा दिख रहा है. P&L adjustment account, partner capital account, cash account, goodwill account, balance sheet. ओके क्वेश्चन तो तुमने रीड कर ही दिया है, कोई बता सकता है ओल्ड रेशो क्या है? 5:3:2 दिखा सबको पहले लाइन के ऊपर ऊपर. ओके फिर कोई बता सकता है फर्स्ट स्टेप क्या है? डॉटिंग. किस किस पे डॉट आएगा बताओ? जो जो में एडजस्टमेंट है. किस किस पे एडजस्टमेंट है? स्टॉक पे, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स. ओके फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? नॉन डॉट आइटम्स को पोस्ट करो. क्या क्या नॉन डॉट आइटम? कैपिटल, रिजर्व फंड, ओवरड्राफ्ट. तो कैपिटल जाएगा पार्टनर कैपिटल में. अभी कोई बता सकता है रिजर्व फंड कितनों में बटेगा? तीनों में बटेगा ना. तीनों में बटेगा ना. ये प्रॉफिट अक्यूमुलेटेड है, काम किया तीनों ने, ओल्ड रेशो में बांट देना. समझ आया? हाँ. 1500 के बाद इसमें भी क्या सर? डॉट डॉट डालने का जिसमें भी एडजस्टमेंट. मार दिया डॉट अपन ने. अब नॉन डॉट आइटम्स कर रहे हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड भी तीनों में बटेगा ना. हाँ देखो इजी टू रिमेम्बर है, ओल्ड रेशो में बटेगा. ओल्ड रेशो में अगर तीन लोग है तो तीन लोग एडमिशन में, ओल्ड रेशो में दो लोग थे दो लोग, सिंपल. समझे? फिर कैश तो न्यू रेशो में क्या बटेगा? सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल, सिर्फ गुडविल. अच्छा गुडविल, वो भी अगर रिटर्न ऑफ है तो. गुडविल रिटर्न ऑफ है नहीं सम के अंदर, ये सब में गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं था. देखो खाली क्या दिया हुआ है, गुडविल इज रेज लिखा हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है. इसमें भी रिटर्न ऑफ मतलब डायरेक्ट डेबिट में डाल देने का ना पार्टनर्स के. हाँ तो देखो ये क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म है, फर्म इज रेज. रिटर्न ऑफ के बारे में कुछ बोला नहीं है. ओके तो देखो ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट क्या था? गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ फर्म, बोले तो ये टाइप है. और इट इज रेस्ड ओनली, तो एंट्री क्या? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट. बस तो गुडविल के डेबिट में लिखो टू राजा कैपिटल, रानी कैपिटल, रजान कैपिटल, 5:3:2. समझ आया? 10,000. ये न्यू रेशियो है ना? ओल्ड रेशियो. अच्छा ओल्ड है. ओके तीन पार्टनर है ना. किसी को क्वेश्चन है इसमें प्लीज पूछो. ये गुडविल का जो किया मैंने. एनीवन एनी क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं. बाकी बच्चे
पक्का समझ रहा है ना भाई? चलो नेक्स्ट क्या है, स्टॉक इज रिड्यूस बाय 10%, खुशी का बात दुखी का बात? दुखी का बात। दुख। इधर लिखेंगे क्रेडिट साइड, ओके? डेबिट 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 समझा, कितना लिखेंगे? 1750 अच्छा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस लिखते क्या, रिवैल्यूएशन ही लिखते? माइनस करके आता है 15। फर्नीचर रिड्यूस बाय 5%, दुखी का बात? है कितना फर्नीचर 5000 का 5%? ओके मशीनरी बाय 11%, का 11%, समझ आया कैसा है ये अमाउंट? देखो ऐसे 11% इंटू 30,000, सॉरी सॉरी 26। ओके एनी क्वेश्चन एनी वन टिल यर प्लीज पूछो। दिवेन, उमंग, पार्थ, कोई क्वेश्चन है? यासिन? नहीं भैया। वैसे गर्दी में मत बैठना, डाउट है पूछो प्लीज। फिर नेक्स्ट क्या है, 5% है डेटर्स, ओके आरबीडीडी रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये दुख की बात है। डेटर कितने भाई? डेटर है अपने 18,000 के, 18,000 का 5% 900। ओके तो लास्ट क्या है, 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर, खुशी का बात? 200 रुपया राइट ऑफ क्रेडिटर्स कम, क्रेडिटर्स थे कितने? 11,000। ओके समझा सबको? चलो अब लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान 5,000 इज पेड इन कैश। ओके तो अभी पेमेंट कर दो पहले ही, जितना भी प्रधान का बनता है उसमें से 5,000 तो अपन ने उसको पे कर दिया। ओके पैसा गया तो कैश क्रेडिट और प्रधान कैपिटल डेबिट, कूल। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टैली कर लो, ऐड करेंगे इसका आंसर आता 6,200, 6,000 बैलेंस है, ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा बाय राजा कैपिटल, रानी कैपिटल, प्रधान कैपिटल। ओके 3,800 12। अब वो यहाँ से डेबिट, समझ आया?
तो पहले अपन रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट टैली करेंगे कितना आ रहा है. 33 + 7 = 40,000. 40,200. अब जो बचेगा तो बचेगा उसका किधर जाएगा. 34,000 बचता है वो जाएगा टू प्रधान लोन अकाउंट इन द लाइबिलिटी. लोन अकाउंट बोला है ना. एंड रिमेनिंग अमाउंट इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो और उसको लाइबिलिटी में ही लिखेंगे. तो बाकी दो पार्टनर्स को टैली करेंगे. क्रेडिट साइड बढ़ा 47 - 5 = 45,000. ये दो भी जाएगा लाइबिलिटी. तीनों ही लाइबिलिटी में जाएगा लेकिन लिखने का तरीका अलग. राजा का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, रानी का भी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे. जो भी बैलेंस फिगर था 56, 500, 45, 700 और प्रधान का लोन अकाउंट लिखेंगे. अरे रे इसको बाहर लिखना चाहिए भैया. लोन अकाउंट मतलब क्या कंडीशन पे लिखते हैं. फर्म ओज द मनी टू प्रधान. प्रधान इज द रिटायरिंग पार्टनर ना. हाँ तो फर्म से उसको जो भी पैसा निकालना है वो पूरा पैसा नहीं निकाल पाया, बचा हुआ पैसा, तो वो बचा हुआ पैसा लोन अकाउंट. बचा हुआ पैसे कैसे आया मतलब कहाँ से है. टैली करके अभी फर्म में बंदे ने कैपिटल डाला था, रिजर्व फंड में उसका हक था, गुडविल में हक था, तो कितना सारा पैसा उसको फर्म से लेना है ना. फर्म ने तो खाली उसको 5,000 रुपया दिया, अभी भी 34,000 बाकी है ना उसको फॉर्म से लेना. समझा. तो 34,000 कहाँ मतलब लाइबिलिटी. हाँ. फॉर्म का लाइबिलिटी वो लोग पे करेंगे. अच्छा जो आपने वहां लिखा अभी लोन अकाउंट. समझा. और बैलेंस कैरी डाउन कैश का. और कैश में प्रधान ऐसा कैपिटल क्यों लिखा है. क्योंकि उसको पे किया था ना 5,000. अच्छा ओके. और जो डेबिट साइड में अमाउंट था वो ये गुडविल का भी बैलेंस बच रहा है वो भी एसेट. तो टैली कर दो तो भी आ समझ आया सबको. तो इधर अगर तुम देखोगे इधर हुआ क्या. प्रधान को 5,000 पे किया ये पार्ट पेमेंट बोले है ना. मंथ से थोड़ी आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू 5,000 इज पेड बाय कैश. तो 5,000 अभी क्या अभी पे कर दिया उसको कैश क्रेडिट कैपिटल डेबिट. फिर बाकी का जो प्रधान को टैली करके अमाउंट बचा वो लोन अकाउंट अभी भी फर्म का लाइबिलिटी है. पार्टनरशिप फर्म अभी भी 34,000 देना बाकी है. भैया सिर्फ 5,000 क्यों लिखा. उसका ऑलरेडी का अमाउंट था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी. समझा नहीं. अरे पार्टनर्स कैपिटल में देखो ना जब अपन ने पीएनए मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैली करके जो तीन अमाउंट आया वो तीनों पार्टनर्स के इसमें रिस्पेक्ट में डाल दिया. हां टैली करने के टाइम पे ये भी तो कंसीडर किया. अकाउंट टैली करने के टाइम पे देखना 40,200 - 6,200 = 34,000. तो कंसीडर किया. हां वो तो कंसीडर किया. जो पार्ट पेमेंट है वो बिजनेस वो लोगों ने क्वेश्चन में दिया ना. अच्छा क्वेश्चन में दिया है क्या. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो नहीं ऐसा होगा ही नहीं. अच्छा ऐसे देते हैं कि पार्ट पेमेंट अमाउंट पार्ट पेमेंट करना बिना क्वेश्चन में दिए कैसे पता चले. और अगर फुल पेमेंट लिखा होता तो पूरा ये जो पूरा बचता 39,000 पूरा पे कर देता. ओ अच्छा समझ आया सबको. हाँ समझ में आया. Anyone, any questions? Sir, अगर ये loan account adjustment में नहीं दिया होता मतलब transfer करना है तो normal capital नहीं तो भी अपन loan में डालते क्योंकि वो लोग ने बोला कि 5,000 रुपया पे करो खाली. तो loan account के बारे में नहीं भी दिया होता तो भी अपन loan में ही डालते. अच्छा
समझा? हाँ और दिया हुआ रहता है लोन में करना है कि सीधा पे ऑफ करना है, जो भी है दिया हुआ रहता है सम के अंदर, समझे? हाँ कोई क्वेश्चन हाँ. है किसी को? तो एकदम इजी स्मूथ सम है, क्योंकि इसका तो गुडविल एडमिशन से भी ज्यादा इजी होता है. कोई क्वेश्चन एनीवन, किसी को कुछ पूछना है? नहीं.